खाएंगे भारत के अंदर और जो गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते मोदी जी ने क्या किया है, बहन और भाइयों उनको सबसे पहला जवाब दीजिए, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। उनको बताइए पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है, यह है नया भारत। बहन और भाइयों आयुष्मान भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक वृद्ध नागरिक को, वृद्ध जन को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, एलपीजी का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था, पैसा देके भी नहीं मिलता था, मोदी जी ने 10 करोड़ घरों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया है, और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा, यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है।